नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो राजस्थान ज्योग्राफी के आगे वाला चैप्टर है, जो आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स माने जाते हैं। आज अपना टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान को जलवायु व उच्चावच की दृष्टि से चार भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भाग है आपका हाड़ोती प्रदेश। इस प्रकार जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा जा सकता है। देखो, पहला जो आपका पार्ट है, वो है उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ये है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो पार्ट है विद्यार्थियों, ये कहलाता है आपका अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पार्ट, ये वाला जो आपका पार्ट है, वो कहलाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो लास्ट है आपका कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हाड़ोती प्रदेश। अब आपने देखा क्षेत्रफल जो सबसे ज्यादा है वो है आपका किसका ज्यादा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था कि 33 सागर के अवशेष के बाद जो उथला हुआ भाग था वो आगे जाकर के मरुस्थल में तब्दील हो गया। अब उसके बाद आता है अरावली प्रदेश। तो अरावली राजस्थान के 9% भाग पर फैला हुआ है और 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला क्षेत्र है। और हाड़ोती वाला जो प्रदेश है वो है 6.89% भाग पर फैला हुआ है। अब बात आती है कि ये जो चार पार्ट है आपके, यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो देखो, उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद आपका जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि 23% भाग पर फैला हुआ है, यहाँ पर 39% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद हाड़ोती का जो पठार है, जहाँ पर 6.89% भाग पर फैला हुआ है, यहाँ पर 11% जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अगर हम देखते हैं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 61.11% भाग पर जो आपका फैला हुआ है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि 9% भाग पर फैला हुआ है, यहाँ पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर, जो कि 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है, यहाँ पर 39% जनसंख्या पाई जाती है। और हाड़ोती का प्रदेश, यहाँ पर आपके 11% जनसंख्या पाई जाती है। अब बात आती है राजस्थान के जिलों की, तो इन चारों भौतिक प्रदेशों में कितने जिले आते हैं वो ध्यान रखने योग्य बात है कि आपका जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें जिले आते हैं विद्यार्थियों 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला जो है, इसमें आपके 13 जिले आते हैं। और जो आपका
जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर 10 जिले आते हैं और हाड़ौती का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 12 जिले आपको पता है ऊपर के जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो सारे के सारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिट्टियों की, तो इन भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जो मरुस्थलीय इलाका है यहाँ पर बलुआ मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और अगर इस भूमि में पानी अवेलेबल करवा दिया जाए तो अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है। तो बलुआ या रेतीली मिट्टी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पर्वतीय इलाका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है, पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद पूर्वी मैदानी वाला जो प्रदेश है ये नदियों वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, और सबसे ज्यादा राजस्थान की जो सघन जनसंख्या है वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आप खुद देख सकते हैं इलाका है 23% और यहाँ पर आबादी है 39%, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान की सघन जनसंख्या कौन से पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जहां पर 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आता है आपका चौथा क्षेत्र हाड़ौती का प्रदेश। हाड़ौती का प्रदेश जो कि मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा माना जाता है, इस हाड़ौती का पठार जो कि कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ इसके अलावा भी कई जिले इसके अंतर्गत शामिल है, 7 जिले हाड़ौती के अंतर्गत शामिल होते हैं, और इस हाड़ौती प्रदेश में काली या रेंगुर मृदा पाई जाती है। तो आपने चारों का एक बार विवरण देखा कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है जलवायु व उच्चावच की दृष्टि से। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है आपका हाड़ौती का पठारी प्रदेश। अगर इन चारों की बात करें तो सबसे सघन जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है मैदानी प्रदेश में, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और सबसे कम जहां पर जनसंख्या पाई जाती है वो है आपका अरावली पर्वतीय श्रृंखला वाली जो रेंज है उसके आसपास वाले इलाके में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और अगर इन चारों की बात करें तो सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाले क्षेत्र में होती है। यहाँ पर जनसंख्या 40% है लेकिन इलाका भी ज्यादा है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करे हुए हैं आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं पहली उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं की, तो आइए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसके बारे में हमने देख लिया कि 61.1% भाग पर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर फैला हुआ है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इस मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या है, और यहाँ पर जो बारिश होती है सबसे कम राजस्थान में जो बारिश होती है वो इसी भूभाग में होती है। इसके दो कारण हैं, इस क्षेत्र का मरुस्थलीकरण होना और अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर हवाएं आगे निकल जाती है और राजस्थान का ये इलाका वर्षा विहीन रह जाता है। तो राजस्थान का जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है ये टर्शियरी काल की देन है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किस काल की देन है, तो आपका आंसर होगा टर्शियरी काल, और कई बार जो है आपको इसके कालों के बारे में भूगोलवेताओं के दृष्टिकोण को भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना क्वार्टनरी काल में
जो प्लीसिटोसीन काल था उस काल में इस मरुस्थल का क्या हुआ? अभ्युदय हुआ था। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 250 मीटर के लगभग है। किसकी? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है विद्यार्थियों, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है किसका? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है क्या कि राजस्थान में उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल किस तरफ से किस तरफ है? तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है मरुस्थलीय प्रदेश का। अब बात करते हैं ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है विद्यार्थियों, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस इलाके को हम शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटा वर्षा सीमा रेखा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो शुष्क मरुस्थल है और जहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वो इलाका अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, शुष्क मरुस्थल में आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर वाला जो इलाका है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, ये जो बेसिन वाला जो इलाका है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो शुष्क मरुस्थल है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। जहां पर बालू का स्तूप है वो इलाका और जहां पर बालू का स्तूप नहीं है वो इलाका, इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5% भाग पर फैला हुआ है और 58.5% भाग पर आपका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र फैला हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र वहां पर पाया जाता है जहां पर पथरीला इलाका है, जहां पर चट्टानी इलाका है, जिसे हम हम्मादा के नाम से जानते हैं, वो इलाका जो है वो आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। और जहां पर बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जहां पर बालू के टीले पवन के निक्षेपण पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं उस इलाके को बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहा जाता है। और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में कई प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं जिसका विवरण देखो कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला है आपका अनुदेदयी, दूसरा है आपका अनुप्रस्थ, तीसरा है आपका बरखान। अनुदेदयी वो टीले हैं जो बालिका स्तूपों के समानांतर, जो पवन की दिशा के समानांतर टीलों का निर्माण करते हैं वो अनुदेदयी प्रकार के बालिका स्तूप कहलाते हैं। जो समकोण में पवन की दिशा के समकोण पर जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें हम अनुप्रस्थ के नाम से जानते हैं। और अर्धचंद्राकार आकृति में जो बालू का स्तूप होते हैं जो सबसे विनाशकारी होते हैं वो है आपके बरखान प्रकार के टीले होते हैं। इनका विवरण हम विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आज आपको जो मैंने आपको बताया है वो बताया है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताओं को मैंने इस वीडियो में इंगित किया है। आगे की वीडियोस में हम आगे की चर्चाएं करेंगे, जिसमें मैं आपको बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आगे के अपडेट्स और आगे की जानकारियां आपको मिलती रहे और आप जो आगामी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे रीट, पटवार, राजस्थान हाई कोर्ट, सब में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।